नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 56 लोग समेत करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बवाल के बाद जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर और चांदबाग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में तीसरे दिन हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। धारा 144 का असर ना देखते हुए पुलिस ने मंगलवार को देर शाम 4 इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और आदेश दिया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। बता दें कि हालात का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार रात सीलमपुर के दौरा किया। उनके साथ पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के साथ थे। रात करीब 11:30 बजे सीलमपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे और घंटे भर बैठक के बाद करीब 8 किलोमीटर का सफर करते हुए तनावपुर इलाके में गए। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल थे। वो सोमवार को दंगाइयों के साथ हाथ लगे और उनकी मौत हो गई। इस खबर में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।